हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू आर परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। आज हम फिनिश करेंगे सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल का बैंकिंग कंप्लीट। आज हम पूरा बैंकिंग फिनिश कर देंगे। और सेकेंड वीक में आरबीआई की कोई न्यूज थी नहीं है सच, एक न्यूज थी, एक दो न्यूज, तो वो हम थर्ड वीक में कवर करेंगे। और फर्स्ट वीक के अंदर काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी आरबीआई की, दो जाके आप उसको देखो और मल्टीपल टाइम्स रिविजन करो नोट्स पीडीएफ से। अब हम शुरू करते हैं अपना बैंकिंग। यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है बैंकिंग कंप्लीट सेकंड वीक का, कौन से मंथ का, अप्रैल 2024 का। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए राइट अप्रोच यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन द शो। और अटेंशन फोकस पूरा बना के रखिए, जरूरी है, करंट अफेयर्स है, एग्जाम में सिलेक्शन भी और लीड भी इसी से होगी। तो हमारी पहली न्यूज शुरू होती है आज की पहली खबर। सो ट्रैक्सन एक कंपनी है, वी कैन से एक रिपोर्ट है, किसके बारे में है, फिनटेक स्टार्टअप्स। तो फिनटेक स्टार्टअप्स की रिपोर्ट किसने रिलीज की है, ट्रैक्सन, ट्रैक्सन। अब इनके मुताबिक जो फिनटेक स्टार्टअप है वो इंक्रीज हुआ है, रेज हुआ है कितने से, $551 मिलियन से। कब, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर 2024। अब ध्यान दो ये कैलेंडर ईयर लिखा हुआ है CY, यानी कि कैलेंडर ईयर कहते हैं इसको। और ये कब से कब तक होता है, ये होता है जनवरी से लेकर और मार्च तक। सो जनवरी से लेकर मार्च तक की रिपोर्ट है ये 2024 की, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। सो ट्रैक्सन रिपोर्ट के मुताबिक, रिपोर्ट का नाम क्या है, ट्रैक्सन जियो क्वार्टरली रिपोर्ट Q1 ऑफ कैलेंडर ईयर 2024। इनके मुताबिक इंडिया का फिनटेक स्टार्टअप इंक्रीज हुआ है $551 मिलियन से। तो ये अमाउंट याद रखना कितना है, $551 मिलियन। और ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है, ट्रैक्सन ने रिलीज की है। और ये जो $551 मिलियन जो इंक्रीज हुआ है वो 33 डील्स से हुआ है, 33 डील की गई थी उससे हुआ है ये। और ये बता रहा है कोमा के बाद, एन इंक्रीज ऑफ 59%, यानी कि अगर इसको कंपेयर किया जाए Q4 ऑफ कैलेंडर ईयर 2023 से, यानी कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2023 का जो डेटा था Q4 का, अगर उससे कंपेयर किया जाए तो ये इंक्रीज हुआ है 59% से। और अगर हम बात करें ये जो स्टार्टअप्स है, देखो फिनटेक स्टार्टअप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के अंदर। इंडिया में तो फिनटेक स्टार्टअप्स हो गए, आपकी नियो बैंकिंग हो गई, तो इनकी काफ़ी ग्रोथ है। और इनकी वजह से यह कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में ज़्यादा हेल्प भी हो रही है इंडिया में। तो चलो आगे देखते हैं पॉइंट। अब इनके मुताबिक रिपोर्ट ने बताया है कि वैसे तो Q1 में जो इंडिया का स्टार्टअप था वो रेज हुआ है, लेकिन इनकी जो फंडिंग थी, अगर हम बात करें 2023 के कैलेंडर ईयर Q1 से कंपैरिजन करें अगर हम, यानी कि देखो जो Q1 था कैलेंडर ईयर 2023 का, अगर हम इससे कंपेयर करें Q1 ऑफ कैलेंडर ईयर 2024 का, तो ऐसे में जो फंडिंग है, यानी कि जो पैसा आया है इन फिनटेक स्टार्टअप्स में, वो डिक्रीज हुआ है। इट मीन्स कि Q1 2023 के कैलेंडर ईयर में पैसा ज्यादा आया था अभी के कंपैरिजन में, और कितना डिक्लाइन हुआ है, 57% से। तो ये डेटा भी आपको याद रखना है, 57% से डिक्लाइन हुआ है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन होती है तो मेरे से यूट्यूब कमेंट में पूछ सकते हो आप लोग। अब यहां पर देखो, अब यहां पर बता रहा है कि जो इंडिया की रैंक है, जो भारत की रैंक है वर्ल्ड में, वो थर्ड रैंक पे आती है अगर हम बात करते हैं फिनटेक में फंडिंग की। फर्स्ट रैंक पे कौन है, यूएसए। सेकंड पे कौन है, चाइना। यूएसए, चाइना, इंडिया, यूएसए, चाइना, इंडिया, ये आपको याद हो गया होगा।
तो ये जो पूरी मैंने अभी तक आपको पॉइंट्स बताए हैं इस रिपोर्ट के, इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है और मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। अब देखो हम बात करते हैं टॉप फंडेड सेक्टर, यानी कि किन किन सेक्टर को सबसे ज्यादा फंड पैसा मिला। तो तीन सेक्टर ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा पैसा मिला, उनमें भी जो फर्स्ट रैंक पे है वो है अल्टरनेटिव फंड। इसको याद रखो, अल्टरनेटिव फर्स्ट रैंक पे है। रेगुलेटरी टेक्नोलॉजी हमारी सेकंड रैंक पे आती है फंडिंग में, और बैंकिंग टेक्नोलॉजी ये हमारी थर्ड रैंक पे आती है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि टॉप फिनटेक फंडिंग रेज्ड सिटीज, कौन कौन से ऐसे शहर हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा फिनटेक फंड रेज किया है। तो बेंगलुरु कर्नाटका का पहले पे है, मुंबई सेकंड पे आता है, और हैदराबाद तेलंगाना का थर्ड पे आता है। तो आपको तीनों सिटीज के नाम याद होने चाहिए और तीनों फंडेड सेक्टर के नाम आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर एक नोट भी है, काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर। परफ्यूज एक कंपनी है, परफ्यूज, जिनके सीईओ है सब्यासाची गोस्वामी। ये कंपनी बनी है यूनिकॉर्न 2024 में अभी, विद अ वैल्यूएशन ऑफ ओवर $100 बिलियन। अब आप में से अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि कोई भी कंपनी यूनिकॉर्न तब बनती है जब उसकी वैल्यूएशन जो होती है वो $1 बिलियन क्रॉस कर जाती है। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि कितना अमाउंट या कितने वैल्यूएशन रिक्वायर्ड है यूनिकॉर्न बनने के लिए, तो आप बता देना $1 बिलियन है और आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। फाइन, अब यहां पर बात करता है कि टोटल 3 स्टेजेस फिनटेक फंडिंग। देखो फिनटेक फंडिंग में ना 3 स्टेज होते हैं, जैसे आप प्री देते हो, मेंस देते हो, फिर इंटरव्यू देते हो, तो ऐसे ही फिनटेक फंडिंग में भी तीन स्टेज होते हैं। सीड स्टेज आपके प्रीलिम्स की तरह होता है, अर्ली स्टेज मेंस की तरह होता है, और लेट स्टेज इंटरव्यू की तरह होता है, खत्म। तो अर्ली याद रखो और सीड, अर्ली और लेट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमारी खबर होती है समाप्त यहां पर। ओके, सो नाउ अब हम चलते हैं सेकंड न्यूज की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम में भी आ सकती है। आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ये देखो इमेज में नीचे यहां पर गिवन है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, जिनकी टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार, यानी कि आपका जो बैंक है वो आपके गेट के सामने खड़ा हो जाएगा, आपका बैंक आपके द्वार। ये कौन कहता है? इंडिया पोस्ट, क्योंकि पोस्टमैन अक्सर यही करते हैं और शुरुआत से यही होता आया है। आईपीपीबी बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है एक आधार एटीएम सर्विस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि आधार एटीएम सर्विस कौन से पेटीएम बैंक ने या फिर कमर्शियल बैंक ने अभी लॉन्च किया है या इंट्रोड्यूस किया है, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। और एक प्रिंसिपल है AEPS, यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, यानी कि आधार कार्ड की वेरिफिकेशन से आपकी पेमेंट की जाएगी। तो वही है इस न्यूज के अंदर, चलते हैं हम इस न्यूज में इन डेप्थ। इंडिया पे पोस्ट पेमेंट बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है आधार एटीएम सर्विस, जो कि वर्क करती है AEPS के प्रिंसिपल, जो कि है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिसको इंट्रोड्यूस किया था नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, और NPCI को किसने बनाया था? RBI ने, प्लस इंडिया बैंक एसोसिएशन ने बनाया था। कब बनाया था? 2008 में बनाया था, ये भी याद रखो। ठीक है, आईपीपीबी ने इंट्रोड्यूस किया है आधार एटीएम सर्विस, जो कि वर्क करता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम पे, जिसे बनाया था आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को बनाया था NPCI ने। NPCI की है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये करेगा क्या? ये कस्टमर्स को हेल्प करेगा कैश अवेल करने में, यानी कि कैश को कलेक्ट करने में, या फिर वो कैश को मंगवा सकते हैं अपने घर पे, डियर डोर स्टेप, विद द हेल्प ऑफ पोस्टमैन या फिर ग्रामीण डाक सेवा। आपको सिर्फ रिक्वेस्ट देनी है और जो भी पोस्टमैन होगा वो आपके घर पे आपको कैश दे जाएगा, आपको बैंक विजिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसे आते हैं कि यू नीड टू विजिट बैंक, तो वो गलत कर देना। ठीक है,
सो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के चेयरमैन कौन है? विनीत पांडे जी है। एमडी कौन है? आर विश्वेश्वरन, आर विश्वेश वरन ये इनके एमडी है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, याद रखना। टैगलाइन है आपका बैंक आपके द्वार। ये खत्म हुआ। अब इसी न्यूज में आगे चलते हैं। अब देखो जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन है, अब भाई बात आती है कि आप आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से पैसा तो मंगवा रहे हैं, बट मैक्सिमम अमाउंट कितना है? तो अगर आप सिंगल ट्रांजेक्शन करते हैं, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम ट्रांजेक्शन करते हैं, तो 10,000 तक मैक्सिमम आप एक बार में पैसे मंगवा सकते हैं। और ये लिमिट सेट किसने की है? एनपीसीआई ने की है। और साथ ही साथ में अगर आप किसी दूसरे बैंक के कस्टमर हैं, तो आप पर कोई भी पेनल्टी या कोई भी पैसा आपसे वसूला नहीं जाएगा एक्स्ट्रा, लेकिन जो डोर स्टेप सर्विस चार्ज है वो आपसे लिया जाएगा। तो अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आता है कि आईपीपीबी विल नॉट टेक डोर स्टेप सर्विस चार्जेस, तो वो गलत कर देना, वो सर्विस चार्जेस अवेल करेगी। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम एक बैंकिंग सर्विस है, आपको समझ में आ गया होगा। सो एक बैंकिंग सर्विस है। अगर एग्जाम में आता है कि एईपीएस क्या है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक बैंकिंग सर्विस है जो कि कस्टमर्स को इनेबल करती है टू यूटिलाइज देयर आधार आइडेंटिफिकेशन फॉर एक्सेसिंग द एसोसिएटेड बैंक अकाउंट। यानी कि आप अपने अकाउंट पर रीच कर सकते हैं और वहां पर एक्सेस कर सकते हैं इसकी मदद से। और साथ ही साथ जो बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट्स होते हैं, जो कि अलग अलग बैंक्स बनाते हैं अपने एक एरिया में या अपने अनुसार, तो उनसे भी आप ये चीजें अवेल करवा सकते हैं। अब ये जो आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम सर्विस है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? भाई कोई भी चीज होती है तो उसमें कुछ सर्विसेज इंक्लूडेड होती है। जैसे आप एटीएम में जाओगे, कैश आप देख सकते हो, अकाउंट चेक कर सकते हो, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हो, पैसा ट्रांसफर कर सकते हो, तो काफी चीजें उसमें रहती है। तो ऐसे इसमें भी कुछ चीजें हैं, तो वो जान लो। आ सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो बैलेंस इंक्वायरी आप कर सकते हो सबसे पहली बात। तो कैश भी आप निकाल सकते हो, कैश विड्रॉ कर सकते हो, कैश डिपॉजिट भी कर सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप डिपॉजिट भी कर सकते हो, यानी कि आप कैश को जमा भी कर सकते हो, पैसे को मिनी स्टेटमेंट भी निकाल सकते हो। आप यहां से देख लो कि अगर आपको बैलेंस इंक्वायरी करनी होती है, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो बैलेंस इंक्वायरी अपनी, या फिर आप मिनी स्टेटमेंट निकाल के जितने आपके खर्चे हुए हैं प्रीवियस 5, 7, 8, 10 दिन के, वो देख सकते हो। और साथ ही साथ में आप आधार टू आधार फंड ट्रांसफर भी कर सकते हो, ठीक बा। सो ये हो चुका है हमारा। अब चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। सो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई इनिशिएटिव है, मैंने बताया था, आरबीआई प्लस इंडियन इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का। और ये कौन से एक्ट के तहत आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007, पीएसएस एक्ट 2007, ऐसे याद रखो, पीएसएस एक्ट 2007, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। और एनपीसीआई कब स्टैब्लिश हुआ था? 2008 में। इनके एमडी सीईओ कौन है एनपीसीआई के? बहुत इंपॉर्टेंट है, दिलीप असबे जी। सो दिलीप असबे जी इनके एमडी सीईओ है। अब बात करते हैं पेमेंट बैंक्स कितने हैं इंडिया में। देखो अभी हाल फिलहाल में मार्च लास्ट तक पेटीएम पेमेंट बैंक में आपका जो फंक्शन था वो बंद कर दिया गया है, आपको पता ही होगा। सो अभी हमारे पास एट प्रेजेंट देखा जाए तो एक्टिव में 5 पेमेंट बैंक है, ठीक है। सो एक है एयरटेल, दूसरा है आईपीपीबी जो हमने पढ़ा, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तीसरा है एनएसडीएल, फोर्थ है फाइनो पेमेंट बैंक, पांचवा है जियो पेमेंट बैंक। तो ये याद रखना, पेटीएम को अभी स्टॉप किया गया, यानी कि उसको अभी लिमिटेड कर दिया गया है, या फिर हम कह सकते हैं डिबेट कर दिया गया है कि अभी वो फंक्शंस नहीं कर सकते। तो ये अभी 5 पेमेंट बैंक आपके एक्टिव है। सो पेमेंट बैंक का मिनिमम पेडअप कैपिटल एग्जाम में पूछ सकता है कितना है। अगर आपको पेमेंट बैंक ओपन करना है तो कितना आपके पास मिनिमम पेडअप कैपिटल होना चाहिए, तो वो है 100 करोड़ रुपीज का। 100 करोड़ रुपए होंगे तब जाके आप पेमेंट बैंक स्टैब्लिश कर सकते हैं। पेमेंट बैंक बनाया किसके रिकमेंडेशन पे थे? भाई कोई ना कोई तो ऐसा होता है ना जिसने रिकमेंड किया होता है कि आप ये चीज बनाओ, तो डॉक्टर नचिकेत मोर कमेटी जो थी, ठीक है, मोर नाचे,
पेमेंट बैंक को सोच के, ऐसे याद कर लो कि मोर नाचे पेमेंट बैंक को सोच के। तो डॉक्टर नचिकेत मोरे कमेटी ने पेमेंट बैंक को रिकमेंड किया था, और मिनिमम पेड अप कैपिटल है 100 करोड़ रुपए। और यहाँ पर इमेज में भी मैंने आपको पेमेंट बैंक लगा दिए हैं, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो पेटीएम पेमेंट बैंक, अगर एग्जाम में पूछता है कि कौन से पेमेंट बैंक को अभी डिबेयर किया गया, तो याद रखना पेटीएम पेमेंट बैंक को। अब आते हैं हम अपनी अगली न्यूज पे। सो फोन पे, तो फोन पे ने कोलेबोरेशन किया है, एक मिनट रुकिए। सो फोन पे ने कोलेबोरेशन किया है ई सेवा के साथ। ई सेवा किसका है? नेपाल का है, एक वॉलेट सर्विस है नेपाल का, जिसको हम कहते हैं डिजिटल वॉलेट सर्विस। तो फोन पे प्लस ई सेवा ने प्लस HAN पोखरा, HAN किया है होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल पोखरा ने, इन तीनों ने मिलके कोलैबोरेशन किया है, जिसमें ये प्रमोट करेंगे डिजिटल पेमेंट को किसके थ्रू? फोन पे नेटवर्क, FONE, ये नाम याद रखना, FONEPAY, ये फोन पे है जो कि नेपाल का है, ठीक है? ये नेपाल का है फोन पे नेटवर्क। न्यूज खत्म, आगे चलते हैं न्यूज पे। साथ ही साथ फोन पे ने एक कंट्री के साथ कोलेबोरेशन किया है जो कि है सिंगापुर। तो फोन पे ने सिंगापुर टूरिज्म बोर्ड के साथ कोलेबोरेशन किया है, जिसमें ये प्रमोट करेंगे UPI को, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को, इंडियंस ट्रेवलिंग इन सिंगापुर। अगर कोई भारतीय सिंगापुर में जा रहा है तो वो फोन पे के थ्रू UPI का यूज कर सकता है टू इंस्टेंटली। और साथ ही साथ अगर आप क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन या पेमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अपने इंडियन अकाउंट से, इंडियन बैंक अकाउंट से फोन पे में UPI के थ्रू। ये भी आप याद रखो। तो सिंगापुर और फोन पे का कोलेबोरेशन है, ठीक है? फोन पे प्लस सिंगापुर। सो ऐसे काफी चीजें हैं जो एग्जाम में पूछ लेता है, उस टाइम याद नहीं रहती, कंट्री में कंफ्यूजन हो जाती है। और ये सिंगापुर है, स्विट्जरलैंड नहीं है, इसमें भी याद रखना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम में गलत मार्क कर देते हैं। सो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने कोलेबोरेशन किया है पॉलिसी बाजार के साथ। बस इतनी सी न्यूज है। इसमें जो पॉलिसी बाजार है वो ICICI लोम्बार्ड के जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उनको शो करेगा, उनकी एडवर्टीजमेंट करेगा, आप क्रॉस सेलिंग कह सकते हैं, ठीक है? बस इतनी सी न्यूज है। सो NIIF, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं $200 मिलियन, जो कि इंडियन रुपीस में होते हैं 1660 करोड़ रुपए, यानी कि $100 मिलियन की जो अभी वैल्यू है करोड़ में, वो कितनी है? 830 करोड़ रुपया, ठीक बा? इतना ध्यान रखो। तो $200 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने, किसमें? आईबस नेटवर्क, नाम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो इमेज में। सो आईबस नेटवर्क है एक, जिसमें इन्वेस्टमेंट की है। और ये क्या करेगा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में उसको, उसकी ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा उसके अंदर। वो कैसे करेगा वो उन पर डिपेंड है, इतना डीप नहीं जाना हमको। अब ये बहुत ही मजेदार न्यूज है, मेरी फेवरेट न्यूज है आज की, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट न्यूज है, वैसे तो सारी फेवरेट है। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑफ इंडिया के साथ पहली बार एक फर्स्ट CDS, CDS क्या होता है? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। अब ये टर्म आपको मैं थोड़ा सा समझाऊंगा कि होता क्या है। सो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रांजैक्शन कितने की? 25 करोड़ की। किसने, किसके साथ की है? SBI ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ। अब न्यूज देखते हैं पहले न्यूज क्या है। सो SBI जो कि नेशनलाइज हुआ था 1 जुलाई 1955 को, तो 1955 याद रखो। तो SBI ने कोलेबोरेशन किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ, SCB, ऐसे याद रखो,
जिसमें इन्होंने फर्स्ट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप ट्रांजैक्शन की है 25 करोड़ रुपया की, जब से आरबीआई ने सीडीएस गाइडलाइंस को रिवाइज मतलब उसमें अमेंडमेंट्स किए थे, उसको रिवाइज किया था 2022 में। सो आप इतना ध्यान रखो कि 2022 में जब आरबीआई ने क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप की गाइडलाइंस को रिवाइज किया था, उसके बाद पहली सीडीएस ट्रांजैक्शन हुई है 25 करोड़ की, वो भी जो कि एसबीआई ने की है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ। अब देखो ये होता क्या है। सो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप होता क्या है, ये एक क्रेडिट डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव क्या होता है कि डिपेंडेंट होता है किसी दूसरे पे। जैसे मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा, रुको एक मिनट, यहां पर ब्लैंक स्लाइड को आने दो। अब देखो, जैसे मान लो, मानना पड़ेगा आपको, कोई दूसरी चॉइस है नहीं। अरे आजा भाई। यहां पर कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी ए है, तो वो आपके पास आती है, आपका नाम है मोहित, तो आपके पास आती है और आपको बोलती है कि हम आपको एक बॉन्ड दे रहे हैं, सपोज इसकी वैल्यू 1 लाख रुपी है, ठीक है, तो हम आपको 1 लाख रुपी का बॉन्ड दे रहे हैं और आप हमको 1 लाख रुपी जो बॉन्ड है वो कंपनी ए देगी मोहित को, और जो 1 लाख रुपी है वो मोहित देगा कंपनी ए को। ये कंपनी है, कंपनी ए। अब हुआ क्या कि कंपनी ए बोलती है कि आप हमको 1 लाख रुपए दे दो और हम आपको टाइम टू टाइम या फिर मंथली बेसिस पे अमाउंट दे देंगे, या फिर एक फिक्स डेट पे हम आपको अमाउंट रिटर्न कर देंगे। अब मोहित को लगता है कि यार ये कंपनी में मैं पैसा दे तो रहा हूं, लेकिन रिस्क है, कभी ऐसा ना हो कि कंपनी डिफॉल्ट कर जाए, मुझे धोखा दे जाए, मेरा पैसा डूब जाए, तो क्या करेगा? ऐसे में कोई एक थर्ड पार्टी आएगी, ठीक है, ये है हमारी थर्ड पार्टी, कोई बैंक भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी से ये मोहित अप्रोच करेगा कि भाई ऐसा ऐसा, मैंने इनको 1 लाख रुपए दिया है, बट मुझे डर है कि ये कंपनी डिफॉल्ट ना कर जाए, बंद ना हो जाए और मेरा पैसा पूरा डूब ना जाए, तो मुझे इसको इंश्योर्ड करवाना है कि मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा पूरा का पूरा किसी भी हालत में, इनकेस अगर कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है तो, यानी कि अगर कंपनी का दिवाली निकल गया तो, दिवालिया कंपनी का अगर निकल गया तो उस केस में भी आपको पैसा मिलेगा पूरा का पूरा, ये इंश्योर्ड करती है। तो थर्ड बैंक जो आपका है, जो आपका थर्ड पार्टी है, ठीक है, थर्ड बैंक तो क्या, पार्टी बोलो आप, तो जो आपकी थर्ड पार्टी है वो आपको एश्योरेंस देती है, ठीक है, एश्योरेंस देती है आपको कि ठीक है आपको आपका पैसा पूरा मिल जाएगा अगर आपका बैंक डिफॉल्ट कर गया तब भी। उस केस में क्या होगा, तो कुछ कंडीशन है कि मोहित एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा मंथली बेसिस पे, कोई भी प्रीमियम हो सकता है, वो इस थर्ड पार्टी को पे करेगा, ठीक है, मंथली, और जब तक इसको पे कर रहा है तो थर्ड पार्टी जो है वो पूरा एश्योरेंस देगी कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। अब यहां पर दो चीजें हैं, अगर मान लो कंपनी ए नहीं डूबती तो जो थर्ड पार्टी है उसका तो प्रॉफिट है ही है ना, वो तो प्रॉफिट में चल ही रही है थर्ड पार्टी, तो भी मोहित का पैसा मोहित को मिल जाएगा। अगर कंपनी ए नहीं डूबती तो कंपनी ए सारा पैसा मोहित को दे देगी, लेकिन अगर कंपनी ए का दिवाली के दिन दिवालिया निकल जाता है, कंपनी ए डिफॉल्ट कर जाती है, तो ऐसे केस में जो थर्ड पार्टी है वो तो आपको पैसा दे रही है, उसका कुछ एक सर्टेन सम है जो कि आप उसको एज अ प्रीमियम दे रहे हो, अगर आप मोहित हो तो आप उस थर्ड पार्टी को मंथली बेसिस पे कुछ एक अमाउंट दे रहे हो उसको सिक्योर करने के लिए, ठीक है, तो ऐसे में आपको थर्ड पार्टी के थ्रू भी पैसा मिल जाएगा, यानी कि आप सिक्योर हो, तो उस चीज को, तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्रेडिट यानी कि अमाउंट देना, सैंक्शन करना, लेंडिंग करना, लोन देना, ठीक है, डिफॉल्ट यानी कि जिस पार्टी को आप दे रहे हो वो अगर डिफॉल्ट कर जाती है, उसका अगर दिवालिया निकल जाता है, तो स्वैप, तो उस कंपनी की जगह कोई दूसरी थर्ड पार्टी वो आपको पैसा देगी, तो ये पूरी टर्म है क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप, खत्म हो गया।
अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी समझ में नहीं आई तो पूछ लेना मेरे से कमेंट सेक्शन में, या फिर इस वीडियो को दोबारा देख लेना। आपको समझ में आ गया होगा कि SBI ने कोलेबरेशन किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ फॉर फर्स्ट क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप आफ्टर 2022 ऑफ 25 करोड़ रुपए। अब ये होता कि आपको समझ में आ गया होगा कि CDS इज अ क्रेडिट डेरिवेटिव, यानी कि डिपेंडेंट ऑन सेकेंडरी, किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट रहता है, जो कि ऑफर करता है प्रोटेक्शन किसको, बायर को, अगेंस्ट पोटेंशियल डिफॉल्ट। बायर कौन है? जिसको बॉन्ड दिया था, मोहित जो है वो बायर है, उसको उसको एक सिक्योरिटी देती है कि भाई अगर डिफॉल्ट हो जाता है तो आपका अमाउंट सिक्योर रहेगा। ठीक है, इफ द डेट इश्यू डिफॉल्ट्स, यानी कि जिसने पैसा लिया है अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है तो जो सेलर होगा, जिसने एश्योरेंस दी है, वो पूरा का पूरा अमाउंट पे करेगा बायर को। सेलर कौन था यहाँ पर? थर्ड पार्टी थी। वो अमाउंट पे करेगा किसको? बायर कौन था? मोहित। उसको अमाउंट पूरा पे करेगा। ऑल प्रीमियम्स एंड इंटरेस्ट दैट वुड हैव बीन अप टू द डेट ऑफ मैच्योरिटी, और जितना भी प्रीमियम या फिर इंटरेस्ट होगा जो कि उस थर्ड पार्टी को देना पड़ेगा, मोहित को, मतलब मोहित के द्वारा उस थर्ड पार्टी को देना होगा, वो दिया जाएगा। तो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपके अमाउंट को सिक्योर रखती है और आपका पैसा डूबने नहीं देती। ये थी पूरी बात। अब चलते हैं हम इस न्यूज की अगली स्लाइड पे। तो देखो, SBI जो हमारा है उसको हम बोलते हैं इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि स्टेब्लिश किया गया था 27 जनवरी 1921 को। डेट याद कर लो, काफी इंपॉर्टेंट बैंक है तो आपको इतना तो डेट याद होनी चाहिए, क्योंकि पहला बैंक है इंडिया का ऐसा, ये जो कि काफी नेशनलाइज बैंक था, और 1969 से पहले कोई भी ऐसा बैंक नहीं था SBI के अलावा जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक हो, सिर्फ SBI था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया था 1955 में। अब यहां पर बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मर्ज किया गया था, तब जाके बना था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी डेट को? यहां पर 27 जनवरी 1921 को। दोबारा सुन लो, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंक को मर्ज किया था, एक साथ मिला दिया था, तब जाके 27 जनवरी 1921 को इन तीनों बैंक का एक नाम हुआ था, वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना? 1 जुलाई 1955 को। तो यहां पर देखो, 1 जुलाई 1955 को बना था हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से SBI। ठीक है, इंपीरियल से हमारा बन गया था SBI। ठीक, अब जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है वो वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक्स, सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बैंक है हमारे इंडिया का, और ये सबसे पहले एक प्राइवेट बैंक था। ठीक है, यानी कि 1955 से पहले एक प्राइवेट बैंक था, फिर 1 जुलाई 1955 को इसको रिनेम कर दिया था, साथ ही साथ इसका नेशनलाइजेशन कर दिया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसको बना दिया था। और SBI एकमात्र बैंक था जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक था इंडिया में 1969 तक, फिर उसके बाद तो और भी आगे, राइट। अब हम चलते हैं अपनी अगली न्यूज पे। अगली न्यूज हमारी कुछ इस प्रकार है, NPS यानी कि नेशनल पेमेंट सिस्टम का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्या होता है कि भाई जो पूरे इनके पास एसेट्स है, यानी कि पूरा इनके पास एसेट्स को हर चीज को मिला के, इनके पास लाइक स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट, हर एक चीज को मिला के जो भी इनका पूरा एसेट्स है इनके पास, वो इंक्रीज हुआ है 30.5% से। ठीक है, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। कब? फाइनेंशियल ईयर 2024 में। हम यह ग्राफ में देखो, 100 रुपीज 8.98 लाख करोड़ था, कब? मार्च 2023 तक। और अब फाइनेंशियल ईयर या फिर फिस्कल ईयर 2024 में इंक्रीज होकर कितना हो चुका है? 11.73 लाख करोड़, यानी कि 8 में इंक्रीज हुआ है लगभग लगभग
3.25 लाख करोड़ का इंक्रीज हुआ है, और यही 3.25 लाख करोड़ क्या है, 30.5% है किसका, 8.98 लाख करोड़ का। यानी कि आप सिंपल मान के चलो कि अगर यहाँ पर 8.98 लाख करोड़ नहीं होता, 9 होता, तो 9 3 27 होता, और फिर यहाँ पर कुछ आप 0.5 जोड़ लो इसका, तो वो कुछ 0.45 होगा, तब जाके मिला के ये 3.25 समथिंग इसका अमाउंट आता। ठीक है, तो आपको पूरा मैंने याद करवा दिया है कि 30.5% यानी कि लगभग 3.25 लाख करोड़ इंक्रीज हुआ है, किसमें 8.98 लाख करोड़, या फिर आप 9 लाख करोड़ भी याद कर सकते हो, 9 लाख करोड़ में। और अब कितना हो गया इंक्रीज होके, अब हो गया है ये 11.7 लाख करोड़, ऐसे याद कर लो। चलो अब चलते हैं हम इसकी डिटेल्ड न्यूज पे। सो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि पूरा पेंशन जो भी हमारे इंडिया में है उसको रेगुलेट करती है, इनके डेटा के मुताबिक, इन्होंने एक डेटा रिलीज किया है उसके मुताबिक, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, नेशनल पेंशन सिस्टम पेमेंट नहीं होगा सॉरी नेशनल पेंशन सिस्टम जो है, उसका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो इंक्रीज हुआ है कितने से, 30.5% से, आपको मैंने बताया है पूरा डिटेल में, और ये 2024 में इंक्रीज हुआ है, और ये यहाँ पर 1 नहीं है 11 है, सो 11.73 लाख करोड़ ये पहुंच चुका है, कितने से इंक्रीज होके, लगभग 9 लाख करोड़ से इंक्रीज होके, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 3 लाख करोड़ का प्लस हुआ है इसके अंदर। ठीक, अब यहां पर देखो कुछ पॉइंट्स हैं, तो अभी हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 2024 की, तो लगभग 7.1 लाख करोड़, यानी कि 7.10 लाख नए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने एनपीएस ज्वाइन किया है, और 9.5 लाख अप्रोक्स ने, ठीक है, 9.5 लाख अप्रोक्स जो कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, उन्होंने एनपीएस ज्वाइन किया है या फिर एनपीएस सब्सक्राइब किया है। अब ये एक डेटा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। टोटल नंबर ऑफ एनपीएस एंड अटल पेंशन योजना, तो इन दोनों का मर्ज बता रहा है, टोटल इन दोनों का वो कितना हुआ है अभी 31 मार्च तक, वो हो चुका है 7.36 करोड़, इंक्रीज हुआ है 16.28% से, तो 7.36 करोड़ टोटल हमारे एनपीएस और अटल पेंशन योजना सब्सक्राइबर्स हैं इंडिया में अभी एट प्रेजेंट 31 मार्च तक 2024, और ये तब हुआ है जब हमारा 16.28% इंक्रीज हुआ है, तब जाके 7.36 करोड़ हुआ है। पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन कौन है, दीपक मोहंती जी है, इनका नाम याद रखो। हेडक्वार्टर कहां पर है, पीएफआरडीए का, न्यू दिल्ली में है। एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेता है, 2003 एस्टेब्लिशमेंट है। एसबीआई को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन से ईयर में और कौन से मंथ में बनाया था, बैंक ऑफ बॉम्बे, मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल को मर्ज करके, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि बैंक ऑफ बॉम्बे, बंगाल और मद्रास को मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन से मंथ और ईयर में बनाया गया था, तो कमेंट में देखते कितने बच्चे सही आंसर करते हैं इसका। अब चलते हैं हम अगली न्यूज पे। सो 9th न्यूज है, एक कैम्स करके कंपनी है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल चुका है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, किस चीज का, अब ये एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर काम कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि आरबीआई ने किस कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का अभी सर्टिफिकेट दिया है, तो वो है कैम्स, यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, तो ये आप याद रखना, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखो, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, या फिर इसका नाम भी याद रखो, फुल फॉर्म में से या फिर इसके एब्रिविएशन में से कोई भी एक चीज दे सकता है ऑप्शन के अंदर। अब आते हैं हम 10th न्यूज पे,
तो कैनरा बैंक ने कोलैबोरेशन किया है साइन के साथ। साइन कहाँ पर है? साइन आईआईटी बॉम्बे में है। तो याद रखना, आईआईटी बॉम्बे भी दे सकता है आपको कि कैनरा बैंक ने किस आईआईटी बॉम्बे के साथ कोलैबोरेशन किया है टू एम्पावर स्टार्टअप्स अक्रॉस इंडिया, यानी कि स्टार्टअप्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। ये कोलैबोरेशन किस कंपनी ने, किस बैंक ने किस आईआईटी के साथ किया है, या फिर किस आईआईटी ने किस बैंक के साथ किया, आपको पता होना चाहिए स्टार्टअप्स के लिए। जिसमें जो एक फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, हेल्प किया जाएगा उनकी एस्टेब्लिशमेंट में और उनके प्रमोशन में और मॉडर्नाइजेशन के अंदर। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझ लो नीचे वाला। इम्पोर्टेंट ऊपर की 3 लाइन है। कैनरा बैंक ने कोलेबरेशन किया है साइन, साइन किसका पार्ट है? आईआईटी बॉम्बे के साथ। और क्या करेंगे ये? स्टार्टअप्स को एम्पावर करेंगे। अब चलते हैं हम आगे न्यूज पे। सो हमारी 11th न्यूज है, जम्मू कश्मीर बैंक जे एंड के बैंक ने पार्टनरशिप किया है पे मार्ट के साथ। मार्ट मतलब होता है ना, बड़ा स्टोर होता है मार्ट, तो पे मार्ट ऐसे याद रखो। सो पे मार्ट के साथ कोलैबोरेशन किया है, जिसके साथ जे एंड के बैंक वर्चुअल ऑटोमेटेड टेलर मशीन लॉन्च करेंगे, जो कि कार्डलेस कैश विड्रॉल को इंट्रोड्यूस करेंगे जे एंड के बैंक इसके थ्रू अपने बैंक क्लाइंट के लिए। और किसके थ्रू करेंगे? तो जे एंड के बैंक का एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम है एम पे डिलाइट। तो इसका नाम भी याद रखो, एम पे डिलाइट, ठीक है। जे एंड के बैंक के चेयरमैन कौन है? आर के छिब्बर जी है। एमडी कौन है? बलदेव प्रकाश। तो दोनों आपको याद नाम होनी चाहिए, चेयरमैन आर के छिब्बर, एमडी बलदेव प्रकाश। हेडक्वार्टर कहां पर है? श्रीनगर में। टैगलाइन क्या है? सर्विंग टू एम्पावर, ठीक। आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की टैगलाइन क्या थी? जरा कमेंट में बता दो मुझे, भूल गया मैं, देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं। सो 12th न्यूज हमारी है, सिडबी जो कि है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ? वन लाइफ के साथ, ओनियन लाइफ के साथ, यानी प्याज की जिंदगी के साथ सिडबी ने कोलैबोरेशन किया है ओनियन लाइफ के साथ। तो जिसमें ओनियन लाइफ, ये जो प्याज की जिंदगी है, ओनियन लाइफ है, इसका एक प्लेटफॉर्म है कर्मा लाइफ, ठीक है। तो कर्मा लाइफ का यूज करेंगे, जिसमें सिडबी माइक्रो लोन्स फॉर गिग वर्कर्स प्रोवाइड करेगा, ऑफर करेगा। गिग वर्कर्स कौन होते हैं? जोमेटो वाले, स्विगी वाले, जो आपने लोग देखे हैं ना, ये एक तरह से गिग वर्कर्स कैटेगरी में आते हैं, जो किसी कंपनी के ऑथोराइज नहीं होते, जो कि वॉलंटरीली काम करते हैं। जब मन करेगा तब काम करेंगे, जहां मन करेगा वहां काम करेंगे, जितना मन करेगा उतना काम करेंगे, इस तरीके से, ठीक। सो इसमें ये क्या करेंगे, इंडिया की जो गिग इकोनॉमी है उसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना चाहते हैं कौन? सिडबी। तो इसके लिए सिडबी को अनियन लाइफ का प्लेटफॉर्म कर्मा लाइफ यूज करना पड़ेगा। गिग वर्कर्स पीपल हु अर्न थ्रू शॉर्ट टर्म जॉब्स, ऑफन फ्रीलांसर्स, आपको बता दिया मैंने। सिडबी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? एस सुब्रमण्यन रमन, या फिर शिवा सुब्रमण्यन रमन, या फिर एस एस रमन भी आप याद कर सकते हैं, एस एस रमन, या मेरे नाम से याद कर लो, शिवा रमन, आपको याद हो जाएगा। सिडबी के हेडक्वार्टर कहां पर है? लखनऊ में है, इसमें कंफ्यूज मत होना। सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? ये भी कमेंट में बता दो जरा मुझे। और सिडबी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1990 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात और बता दो, पीएफआरडीए का एस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ था? हमने अभी पढ़ा था लास्ट न्यूज में। अब हम चलते हैं अगली न्यूज पे। अब इस न्यूज में कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया है कि जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जनरल इंश्योरेंस क्या होते हैं? हेल्थ का हो गया, घर का हो गया, हेल्थ का हो गया, मोटर व्हीकल का हो गया, ये सब जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आते हैं। इसको बेसिकली आप बोल सकते हो नॉन लाइफ इंश्योरेंस भी, इसको एक तरह से बोल सकते हो नॉन लाइफ इंश्योरेंस। ये इंक्रीज हुआ है, जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंक्रीज हुई है, कितने से? लगभग 13% से।
या फिर आप इसको 12.8% याद रखो, इतने से इंक्रीज हुई है फाइनेंशियल ईयर 2024 में। और अब इनका जो टोटल ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम है वो कितना हो चुका है, 2.9 लाख करोड़। कितना हो गया है, 2.9 लाख करोड़, इतना याद रखो आप, कंफ्यूज नहीं होगे। अब देखो ये ग्रॉस है, ग्रॉस जैसे आपकी ग्रॉस सैलरी होती है ना, जिसमें कोई डिडक्शन नहीं होता एनपीएस का या फिर टैक्स का। तो जब आपकी ग्रॉस सैलरी आती है सपोज 80,000 है, तो उसमें कुछ एक अमाउंट कटता है, 12,000, 10,000, समथिंग लाइक दैट। फिर जो अमाउंट आपको मिलता है वो होता है नेट सैलरी आपकी, जो आपको इन हैंड मिलती है। तो ऐसे ही ये ग्रॉस ग्रॉस प्रीमियम है। अब यहां पर कोई डिडक्शन नहीं हुआ तो ये बात कर रहा है ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम की। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि ये नेट है, नेट नहीं है, ग्रॉस है ये। अब चलते हैं इस न्यूज की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पे। सो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के मुताबिक इन्होंने एक डाटा प्रेजेंट किया है, रिलीज किया है, जिसमें जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री इंक्रीज हुई है 12.8% से फाइनेंशियल ईयर 2024 में। और इनका जो टोटल ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम है वो है 2.9 लाख करोड़। पहले कितना था, 2.56 लाख करोड़, या फिर आप 2.55 याद कर सकते हो, या 2.5 भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो लगभग देखा जाए तो कितने का, 3.5% समथिंग का इंक्रीज हुआ है इसके अंदर, ठीक है। सो 3.50 है इसके अंदर, और ये यहाँ पर 90 है, तो आप 2.55 ऐसे देख लो, 6.5785, हाँ ठीक है, तो 3.5 समथिंग का इंक्रीज हुआ है इसके अंदर। ज्यादा कंफ्यूज मत होना, इतना याद रखो कि 2.9 लाख करोड़ तो फाइनेंशियल ईयर 2024 का हुआ है, जिसमें इंक्रीज हुआ था 12.8% का। और पहले कितना था, पहले था 2.5 लाख करोड़, या फिर 2.55 या 56 लाख करोड़, जैसा भी आपको याद रहे। आपको याद करना है, याद करने से मतलब है जैसे भी याद रहे उसको वैसे याद करो। सो प्रीमियम्स ऑफ जनरल इंश्योरेंस, जो जनरल इंश्योरर्स है यानी कि जो इंश्योरेंस करती है कंपनियां, उनकी बात कर रहे हैं। सो प्रीमियम ऑफ जनरल इंश्योरर्स इंक्रीज हुआ है, और इंक्रीज होके पहुंच चुका है 2.45 ट्रिलियन रुपीज पे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना भैया, 2.45 ट्रिलियन रुपीज इनका प्रीमियम जा चुका है, किसका, जनरल इंश्योरर्स का, जो कंपनियां इंश्योरेंस करती है टोटल। और ये इंक्रीज हुआ है कितने से, 14% से इंक्रीज हुआ है, तब गया है 2.45 पे। और साथ ही साथ में अगर देखा जाए तो ये जो 14% इंक्रीज है ना, ये 2024 में हुआ है, लेकिन ये फिर भी कम है। क्यों, क्योंकि 2023 में, फाइनेंशियल ईयर 2023 में 16% इंक्रीज हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 के मुकाबले 16% इंक्रीज हुआ था, और फाइनेंशियल ईयर 2024 में फाइनेंशियल ईयर 2023 के मुकाबले 14% इंक्रीज हुआ है। तो 16% और 14% ऐसे याद रखो। टोटल जनरल इंश्योरर्स कितने हैं इंडिया में, 32 है, बस इतना काफी है, इतना याद रखो, जिसमें से दो स्पेशल प्लेयर है, एक ECGC करके है और एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन AIC। तो दो स्पेशल है, तो इनके भी आपको नाम पता होने चाहिए, वैसे टोटल 32 है। तो आगे देख लेते हैं इसकी स्लाइड। अब इस न्यूज में बता रहे हैं कि जो प्राइवेट इंश्योरर्स है, यानी कि जो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियां है, उनका जो मार्केट शेयर है, टोटल जो मार्केट शेयर है, वो इंक्रीज हुआ है 53.5% से। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इनका 53.5% से मार्केट शेयर इंक्रीज हुआ है, यानी कि काफी लोग इंश्योरेंस करवा रहे हैं। तो ये तो बात ही प्राइवेट की। अब बात करते हैं पब्लिक की। तो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस का जो मार्केट शेयर है वो डाउन हुआ है, यानी कि वो घटा है, वो 31%। तो भाई बात ऐसी है कि प्राइवेट इंश्योरर्स का कुछ पहले एक परसेंटेज था, जैसे मान लो 50% था,
50 में 3.5% और इंक्रीज हो के 53.5% बढ़ गया है। ऐसे ही जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी थी उनका मान लो कि 35% होगा, ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है 35% होगा, इसमें -4% हुआ है तब जाके 31% हुआ है। तो अब इतना याद रखो कि प्राइवेट इंश्योरेंस का इंक्रीज होके तब 53.5% मार्केट शेयर हुआ है, और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी का जो कि जनरल इंश्योरेंस है उनका मार्केट शेयर डिक्लाइन होके 31% पे आया है। ये डाटा इंपॉर्टेंट है, दो तीन बार और रीड करोगे या सुन लोगे तो समझ में आ जाएगा। अब जो मैं बता रहा था आपको कि दो स्पेशलाइज्ड इंश्योरर्स हैं हमारे इंडिया में, एक है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, ये याद रखो, एक है ECGC एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अब यहां पर एक नेक्स्ट पॉइंट है, पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरर्स का जो प्रीमियम है, भाई प्रीमियम वो होता है जो हम पे करते हैं कंपनी को ना, वो होता है प्रीमियम। तो बात कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर की, तो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरर्स जो कंपनियां हैं उनका जो प्रीमियम है वो इंक्रीज कर गया है 9% से, और 9% से इंक्रीज होके आ गया है 90,000 करोड़ रुपया पे। और प्राइवेट सेक्टर का भी इंक्रीज हुआ है, दोनों का इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का लगभग डबल इंक्रीज हुआ है PSB जनरल इंश्योरेंस कंपनी से, जो कि है 17.5%। और ये कितना आ चुका है इंक्रीज होकर 17.5% से, ये 1.55 ट्रिलियन रुपी हो चुका है। तो ये दोनों आपको डेटा एग्जाम में दे सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फाइन, तो ये आपकी न्यूज खत्म होगी यहां पर। काफी मजेदार न्यूज थी, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी, और एग्जामिनर की फेवरेट एक तरह से है ये बैंकिंग के अंदर। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। तो UBI यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 500 मिलियन डॉलर रुपए उठाए हैं, रेस किए हैं, लगभग कितना है ये रुपये में देखा जाए तो 42,000 करोड़ रुपए था, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि 100 मिलियन डॉलर एट प्रेजेंट 830 करोड़ के बराबर है। अभी हमने एक न्यूज पढ़ी थी ना जिसमें 200 मिलियन डॉलर का जो अमाउंट था वो 1660 करोड़ रुपए था, फर्स्ट या सेकंड न्यूज पढ़ी थी हमने, ठीक है। सो UBI ने रेस किए हैं 500 मिलियन डॉलर रुपए, कहां से? फॉरेन मार्केट से। और ये कहां से अरेंज किए हैं पूरे पैसे? दुबई की एक ब्रांच है जिसका नाम है दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, वहां से इन्होंने ये रेस किए हैं। और ये जो 500 मिलियन डॉलर है ये दो पार्ट में दिए जाएंगे, यानी कि दो ट्रेंशे में दिए जाएंगे, एक 100 मिलियन डॉलर का एंड सेकेंड 400 मिलियन डॉलर का। बस इतनी सी न्यूज थी, खत्म हो गई। अब आते हैं 15th न्यूज पे। तो एक अर्तमिस मेडिकेयर कंपनी है जिन्होंने कोलैबोरेशन किया है किसके साथ? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत आती है। तो अर्तमिस मेडिकेयर ने कोलैबोरेशन किया है IFC के साथ, जिसमें जो अर्तमिस मेडिकेयर है उसको फंड दिया कितने का? 330 करोड़ रुपए का। कौन देगा? IFC देगा इन द फॉर्म ऑफ कंपल्सरी कन्वर्टिबल्स डिबेंचर। अब कंपल्सरी कन्वर्टिबल्स डिबेंचर्स क्या होते हैं? एक तरह से एक बॉन्ड होता है जो कि आपका स्टॉक में कन्वर्ट हो जाता है, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी इक्विटी कह रहा हूं मैं, लिक्विडिटी में कन्वर्ट हो जाता है एक फिक्स डेट पे, इसलिए उसको कहा गया है कंपल्सरी कन्वर्टिबल्स डिबेंचर्स, यानी कि उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो कंपलसरी है, ठीक है। और ये जो कोलेबरेशन है ये हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी को इनहेंस करेगा, जो कि अर्तमिस प्रोवाइड करता है। तो नाम याद रखना, अर्तमिस प्लस IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, 330 करोड़ रुपए। अब हम चलते हैं आगे सेकंड लास्ट स्लाइड पे। अब टाटा म्यूचुअल फंड, या फिर इसको हम टाटा एसेट मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं, इन्होंने 6 नए इंडेक्स लॉन्च किए हैं, इंडेक्स फंड्स हैं इन्होंने वो लॉन्च किए हैं, जैसे निफ्टी वगैरह होते हैं ना, तो उस तरीके के। तो अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी ने या फिर किस कंपनी ने अपने नए 6 इंडेक्स फंड लॉन्च किए हैं, तो नाम याद रखिएगा टाटा है, ठीक है टाटा।
तो इनके नाम है निफ्टी ऑटो, निफ्टी रियलिटी, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इन सब के नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, नाम नहीं पूछेगा, बस याद ये रखो कि कौन सी कंपनी ने 6 नए इंडेक्स लॉन्च किए हैं, खत्म। 17th न्यूज है, तो अमेरिकन एक्सप्रेस भैया एक बहुत ही फेमस कंपनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। तो इन्होंने लॉन्च किया है अपना नया मेटल कॉरपोरेट प्लेटिनम कार्ड। तो अगर आपसे पूछता है एग्जाम में कि कौन सी फॉरेन कंपनी ने अपना मेटल कॉरपोरेट प्लेटिनम कार्ड लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा अमेरिकन एक्सप्रेस। ये है हमारा मेटल क्रेडिट कार्ड, मेटल कॉरपोरेट प्लेटिनम कार्ड, जो कि फुरान अख्तर जी यहाँ पर एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं जिसके। ठीक, सो हमारी लास्ट स्लाइड है आज की न्यूज की, और हमारी यहाँ पर न्यूज खत्म हो जाएगी। तो 18th न्यूज बोल रहा है कि कर्नाटका बैंक ने फिसडम, फिसडम क्या है, फिसडम कोई कंपनी है और क्या होगी, तो कर्नाटका बैंक और फिसडम ने मिलकर कोलेबोरेशन किया है, जिसमें ये 3-in-1 अकाउंट लॉन्च करेंगे, जो कि स्टॉक ब्रोकिंग वगैरह सर्विस के लिए स्पेसिफिकली बनाया जा रहा है, जिसमें सेविंग्स, डीमैट, ट्रेडिंग ये सब आप कर सकते हो। तो ऐसे याद रखना कि फिसडम कंपनी के साथ किस बैंक ने कोलैबोरेशन किया था फॉर 3-in-1 अकाउंट्स फॉर स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज, तो वो है कर्नाटका बैंक। और ये कर्नाटका बैंक किसके थ्रू एक्सेस करेगा, तो कर्नाटका बैंक का एक मोबाइल एप्लीकेशन, एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है KBL मोबाइल प्लस। तो KBL मोबाइल प्लस ऐप के थ्रू कर्नाटका बैंक इसको लॉन्च करेगा, इसकी सर्विस अवेल करवाएगा अपने कस्टमर्स को। कर्नाटका बैंक के चेयरमैन या फिर MD कौन है, ये आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ चेयरमैन, ये कर्नाटका बैंक कहाँ पर स्टैब्लिश है ये भी बताओ मुझे। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को आता है, नहीं आता वो तो हम किसी दूसरे दिन जब इसकी न्यूज आएगी तो हम डिस्कस करेंगे। सो पेयू प्लस पेपाल, इन दोनों ने मिलके कोलेबरेशन किया है। अभी हमने एक न्यूज पढ़ी थी जिसमें पेमार्ट, हमने पढ़ा था ना पेमार्ट, कौन से बैंक ने किया था कोलेबरेशन के साथ, J&K बैंक ने, कुछ याद आया, एक बार न्यूज देख लेना, गलत तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। सो जहां तक याद आ रहा है यही था शायद, ये रही न्यूज। हाँ ठीक है, तो J&K बैंक ने कोलेबरेशन किया था पेमार्ट के साथ। अब इस वाली न्यूज के अंदर पेयू कंपनी ने कोलेबरेशन किया है पेपाल के साथ, जो कि USA की है। इसमें ये क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करेंगे, उसकी क्वालिटी को सुधारेंगे, बस इतना सा इस न्यूज के अंदर। पेपाल के चेयरमैन कौन है भैया, जॉन डेनोआ इनके चेयरमैन है, जॉन डोनाहो, नॉट डेनोआ, डोनाहो। तो डोनट याद कर लो आप, डोनट खाने वाला होता है ना, तो जॉन डोनट इनके चेयरमैन है पेपाल के, उनको डोनट बहुत पसंद है इसलिए उन्होंने पेपाल कंपनी को शुरू किया था। खैर कुछ भी करके याद तो करना ही है। तो ये हमारी न्यूज थी बैंकिंग की, जो कि फिनिश हो चुकी है, और इसमें कंफ्यूज मत होना, पे यू कंपनी अलग है, दोबारा से सुन लो एक बार, पे यू कंपनी अलग है, पेपाल अलग है और पेमार्ट अलग है। पेमार्ट का कोलेबोरेशन था J&K बैंक के साथ, और पेपाल का कोलेबोरेशन है पेयू के साथ, फाइन। और हमारी न्यूज खत्म होती हुई फाइनली, और हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा अब इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स और बुक्स के बारे में, अप्रैल 2nd वीक का, और ये पार्ट सेकंड नहीं होगा, एक एक ही पार्ट होगा इसका, तो 2nd वीक अप्रैल का हमारा, हम ये डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो फाइनली हमारी 2nd वीक अप्रैल की नेशनल भी फिनिश हो चुकी है, बैंकिंग भी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी 2nd वीक में वो भी फिनिश हो चुकी है। अब हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल और अपॉइंटमेंट, फिर हम डिस्कस करेंगे उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक, डिफेंस वगैरह की न्यूज, और फिर हम एक कंप्लीट सेशन अलग से करेंगे इकोनॉमिक्स का, प्लस सेबी की जो न्यूज रही है, फर्स्ट एंड 2nd वीक टोटल, फर्स्ट प्लस 2nd वीक ऑफ अप्रैल की, वो हम डिस्कस करेंगे।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के परस्पेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर आपको रिविजन करने में इशू आ रहा है या फिर आपको डेटा रिटेन नहीं हो रहा तो आप हेल्प ले सकते हैं, कमेंट में मेरे से पूछो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में और चैनल पे आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हो। टेलीग्राम डिस्कशन ग्रुप का लिंक ये है @RightApproach_banking, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आप डिस्कस कर सकते हो बच्चों के साथ, मेरे साथ। और हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर वीडियोस PDF वगैरह सब अपडेट आती है, वो है @RightApproach_YouTube, तो इन दोनों को ज्वाइन कर लो। और बाकी अगर आपने अभी तक प्रीवियस यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, नेशनल Part 1, Part 2, RBI की कंप्लीट न्यूज, बैंकिंग न्यूज, तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, मैंने सारी अरेंज कर रखी है। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा। कहीं भी समझ में नहीं आया हो अगर, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट में, यूट्यूब के या फिर टेलीग्राम ग्रुप में। और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस, फॉर गिविंग ए प्रीशियस टाइम टू अस एंड फॉर लिसनिंग टू आर लेक्चर्स एंड टू रीडिंग आर कंटेंट, एंड थैंक यू फॉर मेकिंग अस टू रीच 4,000 सब्सक्राइबर फाइनली। लेकिन हमारा एम बड़ा है तो हम टारगेट करेंगे 1 लाख सब्सक्राइबर का 1 अप्रैल 2025 तक मैक्सिमम। देखते हैं आप लोग कितना जल्दी 1 लाख सब्सक्राइबर को अचीव करवाते हैं। सो अभी के लिए सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से स्टडी करो एंड मिलते हैं जल्दी। सी यू सून।